Hello friends, welcome to Brainy Lad. So guys, we are once again in front of you to discuss our next chapter, that is the third level written by Jack Finney. और आज इस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसको समझने में. दे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट द नरेटर इज ट्राइंग टू से. लेट्स मेक इट ईजियर और लेट्स मेक इट कम्फर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू. इसको कोशिश करते हैं कि आसान से आसान बनाया जा सके. देखिए, जब चैप्टर शुरू होता है तो वी गेट टू नो अबाउट अ मैन हुज नेम इज़ चार्ली. चार्ली जो एक 31 साल का आदमी है, 31 साल का आदमी है जो मॉडर्न वर्ल्ड से अफ्रेड है, जो डरता है मॉडर्न वर्ल्ड से, जो इनसिक्योर्ड है, जिसको डर है मॉडर्न वर्ल्ड का. और वो इस चैप्टर में क्लेम करता है कि ही हैज़ बीन टू थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, द बिगेस्ट स्टेशन ऑफ अमेरिका. वो बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जहाँ पर दो लेवल्स हैं, वो वहाँ पर बोलता है कि वो तीसरे लेवल पर गया है, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, विच इज़ हार्ड टू बिलीव, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिसको मानना बिल्कुल भी आसान नहीं है. गाइस देखिए, प्रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेजिडेंट ऑफ रेल रोड्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजिडेंट्स इस चीज़ को मानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ दो लेवल है. लेकिन ये जो आदमी है चार्ली, जो प्रोटैगोनिस्ट है इस चैप्टर का, ये बोलता है कि ये थर्ड लेवल पर गया हुआ है. चार्ली एक ऑफिस में काम करता है गाइस, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्लेम कर रहा है इस चैप्टर में कि वो थर्ड लेवल पर होकर आया है. जब वो ये बात अपने साइकेट्रिस्ट को बताता है, जिसका नाम वो सैम बताता है इस चैप्टर के अंदर, तो उसका साइकाइट्रिस्ट एक स्टेटमेंट डिलीवर करता है, इट इज़ अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये तो वैसे ही है कि जागते हुए आपने कोई सपना देखा और वो सपना पूरा हो गया. और वो चार्ली को समझाता है कि ऐसा होता है लोगों के साथ, पीपल गेट लॉस्ट एट वेरियस लोकेशंस, लोग गुम हो जाते हैं, लोग इमेजिनेशन में चले जाते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, दे आर इनसिक्योर्ड, they have insecurity, they are feared of this cruel world. वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है. चार्ली के दोस्त भी मानते हैं कि चार्ली is an escapist, जो बचने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, situations को accept नहीं करता, reality को accept नहीं करता. और ये बात चार्ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसके psychiatrist के साथ साथ उसके दोस्त भी मानते हैं. जब बात आती है स्टैम्प कलेक्शन के ऊपर, तो उसके दोस्त बोलते हैं, उसके साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि इट्स ए टेम्पोरेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि ये तो एक भागने का, एक बचने का तरीका है रियलिटी से. चार्ली बोलता है कि उसके दादा भी ग्रैंड स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, इवन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे. वो तो किसी से नहीं डरते थे, और ना ही वो एस्केपिस्ट थे, और ना ही वो किसी चीज़ से बचना चाहते थे. चलिए, चार्ली पूरा इलाबोरेट करता है इस चैप्टर में कि वो कैसे थर्ड लेवल पे गया. चार्ली बताता है कि वंस ही वाज कमिंग टू होम फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ही हैड टू बी एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बिकॉज यू नो सबवेज आर फास्टर देन द बस, जो ट्रेन्स होती हैं वो बस से फास्ट होती हैं और जल्दी पहुँचा जा सकता है घर. ही वॉज इन ए हरी टू मीट हिज वाइफ लुइसा, जिसे मिलने के लिए वो जल्दबाजी कर रहा था. वो फटाफट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचा, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो लेवल वन पे पहुंचा. लेवल वन से वो लेवल टू पे आया, और लेवल टू से वो लेवल थ्री पे आ गया, अकॉर्डिंग टू चार्ली गाइस. देखिए, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, थर्ड लेवल जो है ये इट इज़ अकॉर्डिंग टू चार्ली ओनली. इसके अलावा चार्ली बताता है कि थर्ड लेवल पर वो कुछ स्ट्रेंज चीज़ें देखता है, दैट ही वो देखता है कि देर आर ब्रास बिटन्स, देर आर ओपन फ्लेम्स, fluctuating lights, everything is made of wood, सब कुछ wooden है वहाँ पे, wood का बना हुआ है. people are wearing old fashioned clothes, there is no insecurity, people are free, people are walking here and there, newspaper बेचने वाले सब वहाँ पर वो notice करता है. और वो notice करता है कि एक बच्चा वहाँ पर newspaper बेच रहा है, जिसका नाम है the world, और उसके ऊपर डेट लिखी हुई है 11 June 1894, जो क्लियरली शो करता है गाइस चार्ली प्रेजेंट से कहाँ चला गया है, पास्ट में चला गया. ये सारी स्ट्रेंज चीज ऑब्जर्व करने के बाद, जब चार्ली
दो टिकट्स खरीदने के लिए जाता है गेल्सबर्ग में, जब वो क्लर्क को, वहाँ पर जो क्लर्क बैठा होता है टिकट ऑफिस के अंदर, जब वो उसको पैसे देने की कोशिश करता है तो द क्लर्क स्टेयर्स एट हिम। क्लर्क उसको घूर घूर के देखने लगता है और बोलता है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू विल नॉट गेट फार, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। यानी वो उसको धमकी देता है कि वो पुलिस को बुला लेगा। जब चार्ली को डर लगता है गैस, तो चार्ली वहाँ से भाग जाता है। चार्ली ने वहाँ पर कुछ स्टीम इंजन्स भी देखे थे गैस, जो पास्ट में मिलते थे, जो अब 21st सेंचुरी में नहीं मिलते। चार्ली जब थर्ड लेवल से बाहर आता है, तो वो अगले दिन सबसे पहला काम क्या करता है, वो एक क्वाइन डीलर के पास जाता है और वहाँ से कुछ डॉलर्स को कन्वर्ट कराता है। वो न्यू करेंसी की जगह ओल्ड करेंसी लेता है, ताकि वो थर्ड लेवल पे दोबारा जाए और वहाँ से दो टिकट्स खरीद सके गाइस गेल्सबर्ग की, वन फॉर हिमसेल्फ एंड सेकेंड फॉर हिज वाइफ। लेकिन जब वो पैसे कन्वर्ट करा के थर्ड लेवल पे दोबारा जाता है, ही डज नॉट फाइंड दैट थर्ड लेवल, उसको वो थर्ड लेवल नहीं मिलता गाइस। और नहीं मिलने का रीज़न आप सभी को पता है, बिकॉज दैट थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्टेड इन इमेजिनेशन ओनली। इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, बिकॉज ही वॉज इनसिक्योर्ड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही वॉज फियर्ड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और वो बचने के लिए ऐसी स्टोरियाज बनाता रहता था। चार्ली बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता। एंड लुइसा ऑल्सो गेट्स वरिड क्योंकि उसका हस्बैंड ऐसी चीज को चेस कर रहा है, ऐसी चीज को परस्यू कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अलावा गाइस, चार्ली हमें बताता है इस चैप्टर में कि एक बार वो अपने ग्रैंडफादर के कलेक्शन में जो स्टैम्प वो कलेक्ट किया करते थे, जब वो फर्स्ट डे कवर्स को गो थ्रू कर रहा था, तो उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर मैं बता दूं आपको क्या होता है गाइस, फर्स्ट डे कवर इज एक्चुअली अ ब्लैंक एनवेलप जिसके ऊपर एक स्टैम्प लगवाई जाती है, द पोस्ट मास्टर प्रूव्स द डेट, और इस ब्लैंक एनवेलप को अपने एड्रेस पर ही मेल कर लिया जाता है इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई दैट स्टैम्प, ऑक्यूपाई दैट स्टैम्प। तो जब वो फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था अपने दादाजी के कलेक्शन के, तो वहाँ पर उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला विच वॉज नॉट ब्लैंक फ्रॉम इनसाइड। यूजुअली फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं गाइस, ब्लैंक होते हैं, लेकिन वो जो फर्स्ट डे कवर था वो ब्लैंक नहीं था। उसने जब उस फर्स्ट डे कवर को खोला तो देखा दैट फर्स्ट डे कवर वॉज रिटन बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके एक दोस्त ने लिखा था, और उसमें उसने लिखा कि डियर चार्ली, आई हैव गॉट द थर्ड लेवल, आई हैव फाउंड द थर्ड लेवल, इट इज़ रियली अमेजिंग टू बी हेयर, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, सब इंजॉय करते हैं, कोई फियर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ये सारी बातें उस फर्स्ट डे कवर में लिखी हुई थी जो हमें चैप्टर के लास्ट पेज पर दिखाई देती है। उसके बाद वो लेटर जो साइन किया हुआ था गाइस, वो सैम का था जिसको चार्ली साइकेट्रिस्ट बनाता था। चार्ली को पूरा विश्वास था कि सैम जरूर गया होगा थर्ड लेवल पे, क्योंकि वो उससे बातें करता रहता था, वो उसको बताता रहता था कि वो थर्ड लेवल पे जाना चाहता है, सैम चार्ली को बताता रहता था अकॉर्डिंग टू चार्ली। और चार्ली इज़ डैम श्योर कि सैम ने वहाँ जाकर ग्रेन और हे का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। चार्ली सबको बताने की कोशिश कर रहा है कि सैम वहाँ चला गया है, सैम थर्ड लेवल पर चला गया, थर्ड लेवल से उसने टिकट्स खरीदी और वो गेल्सबर्ग चला गया है। गेल्सबर्ग वही जगह है गाइस जहाँ चार्ली का बचपन बीता था, उसने बचपन में देखा था कि वो बिल्कुल एक सिक्योर्ड प्लेस है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और चार्ली जो था वो मॉडर्न वर्ल्ड से डरा हुआ था, इसलिए वो बचना चाहता था। तो गाइस यही है आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द थर्ड लेवल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के बारे में बताया गया चार्ली की, जो इमेजिन करता है कि वो थर्ड लेवल पे गया हुआ है। रियलिटी में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता गाइस, इट इज़ ओनली अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली एक डरपोक इंसान है जो डरा हुआ है, जो भागना चाहता है, जो दुनिया को फेस नहीं करना चाहता, हु हैज़ नॉट गॉट द गट्स टू फेस दिस वर्ल्ड, इसलिए वो अजीब अजीब स्टोरी बनाता है। और एक स्टोरी उसमें से ये भी है कि वो थर्ड लेवल पर होकर आया। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1, द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिने। यही है आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस ऑडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ एंड हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनी लैड्स। सो गाइस, वी आर वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू टुडे।